हेलो एवरीवन। तो आज लगता है यार कोलकाता में अभी करेंटली मतलब मेला का पूरा एक फीवर चल रहा है। हर जगह जहाँ पे भी जाएगी खाली मेला और मेला ही मिल रहा है। तो कल हम लोग गए थे इको पार्क वाले मेला में एंड आज हम लोग आ गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्निवल मेला है जो कि एक्सिस मॉल के पास जो सेंट्रल ग्राउंड है ये वहीं पर है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पार्किंग में एंड चलिए फिर अभी मेला में चलते हैं एंड मेला का कुछ शॉट्स भी आपको इसके बाद देखने को मिलेगा एंड उसके बाद फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग अभी ये मेला में जा रहे हैं एंड ये रहा एंड ये देख सकते हैं आप पीछे सेंट्रल दिख रहा है, सेंट्रल जो एक्सिस मॉल के पास है। तो हम लोग वहीं पर हैं अभी एंड ये रहा मेला का एंट्रेंस। मेला का नाम न्यू टाउन कार्निवल 2022। चलिए तो अंदर चलते हैं। पहले यहाँ पर शायद टिकट लेना पड़ता है, टिकट काउंटर 10 रुपये टिकट है एंड टाइमिंग्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिटी स्क्वायर ग्राउंड अपोजिट टू सेंट्रल मॉल, 2 December to 18, 2 PM से 9:30, मतलब दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है मेला का टिकट्स, न्यू टाउन कार्निवल 2022। तो चलिए फिर अभी अंदर चलते हैं एंड ये रहा मेला का एंट्रेंस। तो चलते हैं अभी। जैसे कि आप लोग ने देखा कि हम लोग मेला के अंदर आ चुके हैं और आके ही राइट हैंड साइड में आप लोगों को ये फर्नीचर का दुकान दिखेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश का जो साड़ी शॉल या कारपेट सब कुछ है ये सब लाया गया है। तो और ये साइड में भी आप लोग देख सकते हैं फर्नीचर का दुकान क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं और उस तरफ बांग्लादेश से साड़ीज़ और जो जूट का जो सब सामान है उसके बाद ये शॉप आ रहा है। तो यहाँ पे भी साड़ी मिल रहा है और थोड़ा सा आगे आप लोग जाएंगे तो दिखेगा कि एक स्टॉल है जहाँ पे पिलो कवर्स, फिर घर में पहनने के लिए जो हाउस कोट्स होता है वो सब मिल रहा था। तो मुझे पिलो कवर बहुत पसंद आया, वाइट कलर का और ब्लैक कलर का पिलो कवर। यहाँ पे पर कवर्स 80 रुपीज़ करके दाम है और मैं थोड़ा सा कलर ढूंढ रही थी, थोड़ा वाइब्रेंट कलर जो मुझे बहुत पसंद है मेरा रूम के लिए। मेरा रूम का कलर बहुत ब्राइट है तो उसके लिए मैं थोड़ा वाइब्रेंट कलर पसंद करती हूँ। तो इसीलिए मैं ब्लैक और वाइट बहुत सेफ था तो मैं वही चूज़ की। आप लोग देख सकते थे ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया। तो वो 4 पिलो कवर्स मैंने लिया और मैं थोड़ा बार्गेन करने लगी कि मुझे लगा कि 80 रुपीज़ करके अगर मैं 4 कवर्स एक साथ ले रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो कम में थोड़ा मिलना चाहिए। बट यहाँ पे जो सेल्समैन था तो वो तो हमको बोला कि नहीं, सब यहाँ पे फिक्स प्राइस है। तो मैं अंदर गई और वहाँ पे बिल पेमेंट करने के लिए तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक आर्टिफैक्ट्स स्टॉल था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेराकोटा एंड वुडन के आइटम्स थे। तो यहाँ पे कप्स है, ये एक टाइप का हॉर्स है टेराकोटा का एंड ये काफ़ी सुंदर लग रहा है एंड इसे बांकुड़ा घोड़ा भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है एंड वहाँ से ही ये फेमस हुआ है। एंड ये कुछ सिगरेट ट्रेस थे, ये कुछ मतलब लोकल आइडल्स बनाए हुए हैं टेराकोटा के एंड देख सकते हैं आप ये सारा जितना भी आइटम्स हैं यहाँ पे, ये इसमें से आधे वुडन हैं एंड आधे टेराकोटा या मिट्टी के हैं बने हुए एंड डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बने हुए थे। ये देखिए ये बहुत सारे मतलब फोक
लोगों के बारे में बना हुआ है एंड यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं, जार्स है, वुडन जार्स हैं यहाँ पर, एंड ये लोकल कुछ टूल्स वगैरह ऐसे स्वॉर्ड्स, चाकू वगैरह वो सारे हैं यहाँ पर। एंड इस तरफ देखिए ये हमारे किचन टूल्स हैं, सारे वुडन हैं, ऊपर मेटल के आइडल्स हैं, ये सारे ब्रॉन्ज या पीतल के आइडल्स थे, ये मैं श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन ये काफ़ी सुंदर थे देखने में एंड काफ़ी यूनिक लग रहे थे। एंड इनका दाम आपको रेंज जो है प्राइस का, ये स्टार्टिंग है अराउंड 300 एंड आपको 300 से ये जैसा जैसे जितना भी आप यूनिक आइटम्स लेते जाओगे वो आपको 2000-2500 तक रेंज करता है, ठीक है। एंड ये रहा आपका फिर से, ये भी सारे मतलब वो वुडन जो बैम्बू के छिलके होते हैं उनसे बने हुए थे। जो हैंडीक्राफ्ट का दुकान था वहाँ से हम लोग निकल के थोड़ा आगे बढ़े, बढ़ के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉयज़, बच्चा लोगों का जो टॉयज़ का दुकान है वो एक बहुत प्यारा सा दुकान है, वहाँ पे आपको सब कुछ बच्चा लोगों के लिए मिलेगा। और थोड़ा सामने आप लोग जाके देख सकते हैं कि एक छोटा सा भेलपुरी का दुकान है, स्टॉल टाइप का, लेकिन अंदर और बड़ा करके स्टॉल्स बनाया गया है, एक एरिया है पूरा, ये अचार का दुकान था। और थोड़ा सा आगे जाके आप लोग देख सकते हैं जो कुर्ती या फिर टॉप्स वो सब का 2-3 दुकान दिया गया है। और उसके बाद जो घर डेकोरेट करने के लिए जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलता है, आप हम लोग भी घर में वो डेकोरेट करते हैं बहुत, वो फ्लावर्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है, बहुत सारा कलरफुल फ्लावर्स। ये इसका प्राइस मैंने पूछा था, ये छोटा जो प्लांट्स टाइप का चीज़ प्लांट्स है आर्टिफिशियल, इसका 90 करके दाम है। और बड़ा जो मतलब ग्रीन कलर का लीफ जो मिल रहा है हैंग करने के लिए जो रूम घर में, ये सब आप देख सकते हैं, वो एक पीस का दाम बोला था 80 रुपीज़। तो ये प्राइस मैंने दो चीज़ का पूछा था। तो उसके बाद मैं निकल के अगला दुकान गई, वहाँ पे स्वेटर्स मिल रहा था, तो मुझे अच्छा लगा स्वेटर्स देख के। ये जो फर्नीचर दुकान है इसका ठीक ऑपोजिट में, तो ये फर्नीचर का भी बोल रही हूँ मैं, जैसे अब देखे ये होम डिलीवरी भी होता है ये सब फर्नीचर्स, तो आप लोग वहाँ पे जाकर अगर पसंद करते हो तो वो लोग होम डिलीवरी भी कर देगा। ये है जो स्वेटर का दुकान मैं बोल रही थी, यहाँ पे मुझे 2-3 स्वेटर बहुत अच्छा लगा, मैंने एक लिया स्वेटर वहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब ऐसा मेला से मैं कपड़ा उतना लेती हूँ नहीं, ये जो एग्जैक्टली ये स्वेटर है ये मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगा, तो इसीलिए मैं एक बार इसको ट्राई भी की। ये 700 पड़ा हमको। तो वहाँ से निकल के ये जो चेयर्स देख रहे हैं, ये वुडन चेयर्स है, बहुत क्लासी लगा हमको, लेकिन इधर से लेना मुझे ठीक लगा नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जस्ट ऑपोजिट में देख सकते हैं आप लोग एक क्रॉकरी का दुकान, बहुत ज़्यादा सुंदर क्रॉकरीज यहाँ पे हमको दिखने को मिला। ये जो ब्लू कलर का क्रॉकरी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा यहाँ पे, ये जो तुमको दिख रहा है ये फैक्ट्री आउटलेट सेल लगा हुआ है, ये तुमको कैसा लगा, तुमको प्राइसेस कैसा लगा यहाँ पर? तुमको प्राइसेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तो फैक्ट्री आउटलेट है, सस्ता तो होना चाहिए। फैक्ट्री आउटलेट बहुत जगह पे और भी ब्रांड फैक्ट्री भी है उसके लिए, हाँ। यहाँ पे मेला में आके कोई फैक्ट्री आउटलेट में नहीं जाता है, सब बिग जीरो फोर। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये मेला का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है, यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे ट्रैक पैंट्स एंड विंटर वेयर्स का शॉप है, जो कि मतलब आपको दूर से भी आप देखोगे तो इनका एक्चुअली फिक्स प्राइस है एंड प्राइसेस जो है आपका वो रिंग के ऊपर प्राइस लगा हुआ है, वो रेंज है आपका उसका 80 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट 250-200 तक। तो वहाँ पे आप दूर से भी देख सकते हैं, क्वालिटी ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक है, कुछ मतलब उतना भी फैंसी नहीं है, बट हाँ एक रेगुलर वेयर के लिए वो सफिशिएंट है। एंड ये रहा यहाँ पे एक अचार का स्टोर था, तो ये लोग काफ़ी मतलब अच्छे प्राइसेस में अचार यहाँ पे बेच रहे थे, तो आप लोग देख सकते हो एक बार। एंड ये एक स्टील शॉप है, इनमें यहाँ पे आपको किचन टूल्स से लेकर ऑलमोस्ट सारे किचन के यूटेंसिल्स जो स्टील के होते हैं वो मिल जाएंगे। एंड चलिए तब तक आपको इस लाइन में और जितने भी स्टॉल्स हैं हम वो दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो गिफ्ट स्टोर्स हैं, पीछे एक आपका एक लेडीज़ वेयर का एक दुकान था, कुर्ती सलवार एंड वो सब कुछ, एंड यहाँ पे एक रिंग सेंटर था। तो ये एक्चुअली जितने भी स्टोर्स आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। कुछ स्टोर्स आपको वेस्ट बंगाल के दिखेंगे, जो बंगाली में लिखे हुए हैं ना वो बंगाल के स्टोर्स हैं, वो बहुत लोग रूरल एरिया से भी आए हुए हैं। ये देखिए जैसे यही मैं बात कर रहा था, ये 160 के हैं, ये 180 के हैं। अब ये जो सिल्क है MK सिल्क, ये एक्चुअली बिहार से आए हुए हैं। बिहार से एक्चुअली आप अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो वहाँ पे भागलपुर का सिल्क काफ़ी फेमस है,
तो ये लोग वहीं से आए हुए थे। एंड ये सारे और भी स्टॉल्स हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर आपको यहाँ पे लेडीज़ अपैरल्स फैशन आइटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए एक फैक्ट्री आउटलेट है, तो देख सकते हैं आप लोग कि ये है फूड कोर्ट, ये लास्ट पार्ट है मेला का। वहाँ पे फूड कोर्ट के सामने इयररिंग्स का भी दुकान था और भेलपूड़ी, फुचका, फुचका का एक स्टॉल था हम बोल सकते हैं। वहाँ पे सारा फ्लेवर्स का फुचका मिल रहा था, लाइक चॉकलेट फुचका, स्ट्रॉबेरी फुचका, गोंधोराज फुचका, ये सब टाइप का फुचका एक स्टॉल में वहाँ पे मिल रहा था। हमको बहुत यूनिक लगा वो, क्योंकि मेला में जनरली इतना डिफरेंट फ्लेवर का फुचका मुझे कभी दिखा नहीं। और यहाँ पे बैठने का भी बहुत जगह है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, आप लोग बच्चा अगर साथ में जाता है आप लोगों का तो वो लोग को यहाँ पे रेस्ट कराने के लिए बैठा सकते हैं। तो गाइस ये रहा मेला का सबसे फन जोन, और चलिए एंजॉय करते कुछ अमेजिंग स्लो मोशन शॉट्स। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। बट अगर आप लोग हमसे पूछे कि कैसा था मेला अकॉर्डिंग टू मी, मैं बोलूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग कंपेयर करें, हम लोगों का पहला वीडियो जो था हम लोगों का हस्तशिल्प मेला का वीडियो था, उससे अगर आप लोग कंपेयर करें, यहाँ पे प्राइस हमको थोड़ा ओवर लगा, क्योंकि हम जो उस मेला में जाके जो सेम चीज़ देखे थे वो यहाँ पे उसका दाम मतलब ट्रिपल है, थ्राइस वो प्राइस है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि हस्तशिल्प मेला का चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। या फिर हम लोग और भी आप लोगों को व्लॉग्स देंगे, बना के देंगे कि दूसरा मेला में कैसा चीज़ सामान मिल रहा है अभी। तो मुझे उस हिसाब से लगा कि थोड़ा सा प्राइस हमको ज़्यादा लगा यहाँ का, क्योंकि मैंने एक हैंड वॉश का जो कंटेनर्स होता है वो मैं एक्चुअली पूछी थी कि कितना प्राइस है, वो मुझे एक सेरामिक का बहुत अच्छा लगा था देख के। तो वो लोग बोला कि जो हम देखेंगे आप लोग जहाँ पे वो वुडन आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है, वहाँ पे बोला कि 1000 रुपीज़ करके पीस है वहाँ। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। और दूसरा दुकान में भी हमको लगा कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रखा है, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट के घुसते टाइम वहाँ पे टिकट लग रहा है 10 रुपीज़ ईच टिकट लग रहा है। तो ये हमको थोड़ा सा लाइक पता नहीं, मेरा ये ओपिनियन है, आप लोग जाके देख सकते हो, ये आप लोगों का ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा लगेगा ये। लेकिन हमको अगर आप लोग पूछे कि कैसा था, मैं ऑब्वियसली बोलूँगी कि हस्तशिल्प मेला मच बेटर था इससे, और सेम चीज़ सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ पे हाफ से भी कम दाम में। तो ये एक चीज़ है। और अगर आप लोग फूड एंजॉय करना चाहते हैं या फिर फास्ट फूड लाइक भेलपूड़ी, फुचका, जो कोलकाता में फुचका या फिर आप लोग गोलगप्पा बोल सकते हो, उसको अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, क्योंकि फूड क्वालिटी बहुत अच्छा है। फूड मतलब फास्ट फूड का बहुत सारा दुकान है, आप लोग वो एंजॉय करने जा सकते हो, राइड्स को एंजॉय करने जा सकते हो। बहुत लोग वहाँ पे राइड्स को एंजॉय कर रहे थे, आप लोग देखिएगा वीडियो में। तो वो अगर आप लोग का मतलब सोलन सुप्रीमली वो एंजॉय करने जा रहा है तो आप लोग जा सकते हो। बट अगर कपड़ा का क्वालिटी बोले या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट्स बोले, हमको वो उतना खास नहीं लगा। तो मैं अपना ब्लॉग्स के ज़रिए वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर मतलब वीडियो को एंड तक देखे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना खास है नहीं, प्रोडक्ट का वेरिएशन उतना कुछ है नहीं। लेकिन
दूसरा अगर चीज़ लाइक फूड या फिर हम जैसा कि बोले कि फूड या फिर राइड्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी दिस मेला वॉज 6 out of 10 फॉर मी. उससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि मुझे लगा ओवरऑल उतना कुछ खास लगा नहीं मुझे, बट मुझे लगा कि नहीं इस मेला के ऊपर उतना व्लॉग्स बना है नहीं, तो मैं उसीलिए बनाई हूँ, मैं और निखिल, हम और निखिल बनाए हैं. तो इसीलिए आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को एंड तक. गाइज वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.